prove that root 8, 2 plus root 2, 3 root 5, root 5 by 3, it is your irrational numbers. क्या ऐसा questions आपने देखा है? 10th class वाले बच्चे जरूर देखे होंगे, first chapter पढ़े होंगे तो वहीं देखे होंगे, ठीक है? इसे प्रूव करने का क्या तरीका हो सकता है, किस प्रकार से इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल आता है। इससे पहले हमने रूट 5, रूट 2, रूट 7 जो अंदर में था उसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि कैसे वो इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। आज थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा, इसका आंसर होगा बड़ा सटीक, बड़ा ही आसान। हे बच्चों, मेरा नाम है जीत आर्य और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल, लेट्स स्टार्ट। आइए यहां पे देख सकते हैं कि रूट 8 है, 2 प्लस रूट 2 है, 3 रूट 5 है, रूट 5 बाय 3 है, इसको कैसे प्रूव किया जाए। तो आपको सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए देखिए जो टेक्निक अपनाते हैं वो समझते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास रूट 8 है, बच्चे रूट 8 है कि नहीं है, रूट 8 है तो इसको आप तोड़ने का कोशिश करो, तोड़ो 2:2:2 कितना हो जाएगा, इसमें से एक पेयर निकाल दो, 2√2, यानी कि ये बन गया इस प्रकार से, सिंपलेस्ट बन गया। अंडर रूट के अंदर है तो उसको अगर बाहर निकलता है, कुछ भी बाहर निकलता है उसको पहले निकाल लेंगे। अब हमको प्रूव करना है कि 2√2 जो है ये कैसे इरेशनल नंबर्स है, तो इसी प्रकार से यहां पे भी हो जाएगा 2+√2। ये सब के सब का कांसेप्ट हम लोग एक ही देंगे, तो चलिए देर ना करते हुए बच्चे शुरू करते हैं इसको प्रूफ कैसे कर पाएंगे। तो आपको लिखना क्या है प्रूफ, सेम चीज यहां भी मानेंगे, इफ पॉसिबल लेट 2√2 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इसको रेशनल मान लिया ना, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर अगर रेशनल नंबर्स में है तो इसको p by q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, which can be written as p by q और q equals to not zero। यहां पे याद रखना है कि ये p and q क्या है, p और q जो है बच्चे वो आपका यहां पे इंटीजर्स है, p and q क्या है इंटीजर्स, समझ आ गया बात, बस इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा भांजना नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया देयरफॉर, और इसमें लिख सकते हैं आप 2√2 = PQ, सिंपल 2√2 = PQ। अब यहां पे देखिए ये जो रूट टू है ना, यही आपके लिए एक तरह से बोल सकते हैं रामबाण है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आसान करने का तरीका है। तो रूट टू को जो है आपको LHS में रख देना है, इसको यहीं पर रख देना, ये है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, गुना में है, तो इसको इधर लेकर के आ जाना है अगला स्टेप में। तो सिंपल इसको क्या कर दिए, यहां से देख सकते हैं कि रूट टू छोड़ दिया हमने और पी बाय Q के साथ ये 2 जो है नीचे आ गया, यानी कि 2 by 2 P by 2Q हो गया। यानी कि अब देखो P by 2Q होने के बाद यहां पे अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में क्या अंतर है, ये आपका रूट 2 अभी प्रूव किए थे इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में कि ये है आपका इरेशनल, क्या बच्चे इरेशनल है, और ये वाला आपका है रेशनल। रेशनल क्यों, क्योंकि p by q एक रेशनल नंबर है और उसको 2 से डिवाइड करो, गुना करो, भाग करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 3/5 रेशनल नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड किए तो कितना होगा 3/10, ये भी रेशनल रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, रेशनल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि डिवाइड करे, गुना करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाओ करे, कुछ भी करेंगे अगर रेशनल नंबर्स में रेशनल का, किसका, रेशनल चीज का, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल ही रह जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि इस तरह से रूट टू क्या है, एक तरफ तो इरेशनल है और ये पूरा हो गया है रेशनल, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिख सकते हैं आगे, दिस इज कंट्राडिक्शन, बात खत्म हो गया आपका, दिस इज कंट्राडिक्शन, शो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग,
हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना। और इस कारण से हम लोग कह सकते हैं, सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये हमारा जो है हेंस, बोल सकते हैं कि हेंस रूट एट यानी कि जो इस बहुरूपीय के रूप में था ये इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इतना अगर आप लिख सकते हो तो इतने के बाद आपको तीन नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? तीन नंबर श्योर आपको मिल जाएंगे। और वो वाला नंबर आता है पांच नंबर में, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो पांच में चार में आएगा, हो सकता है कभी कभी तीन में भी दे दे। तो तीन या पांच नंबर आपका इससे सिक्योर हो जाता है, सिर्फ ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो। चलिए अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा। अब इन लोगों को कैसे करेंगे, तो इन लोगों को करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस रूट टू, बाकी सब वही लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको p by q के फॉर्मेट में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, रूट टू भाई साहब को तो यही रखना है क्योंकि यही हमारा रामबाण है। तो यहाँ पे रूट टू को छोड़ दिया और इसमें उधर लेके चल गया p by q minus 2। इसको सोल्व भी अगर करते हो तो q हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा p minus 2 q। अब देखो ये वाला जो सेम चीज है वो आपका क्या है, रेशनल है, और ये वाला हो गया इरेशनल। तो यहाँ पे अगर इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया और ये वाला क्या हो गया, रेशनल, जो कि कंट्राडिक्शन है। रेशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता, इस कारण से दिस इज कंट्राडिक्शन। और सो दिस इज, दिस प्रूव्स दैट 2 प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया बात। आगे क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर करना है तो 3 रूट 5 को सेम ही है तो उसको भी नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पे p by q के टर्म में उधर लेके चल जाओगे तो रूट 5, और ये p by q है तो नीचे 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब सेम चीज यहाँ पे, इसको भी आप बना दोगे, यानी कि रूट 5 by 3 है इक्वल टू p by q लिखे बच्चे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि रूट 5 और यहाँ पे 3p by q। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक तरह से इधर हो गया इरेशनल, इधर हो गया रेशनल, जो कि जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के बराबर है, तो ये नहीं हो सकता। तो आई होप इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी को आप अच्छे ढंग से डील कर पाएंगे। तो इस तरह से स्माइल कर दीजिए और मिलेंगे हम लोग अगले अपडेट्स में, अगले न्यू टॉपिक्स में, जिससे आपका जो बोर्ड का एग्जाम का जो नंबर्स है वो बूस्टअप हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।